तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा शरीर निकल गया इस पे। ठंडा खाना तो खाएंगे नहीं ना, कोई खाना नहीं खा सकता, इसको खाया खाओ। क्या बनवा लोगे इसका, ले जाओ मुझे। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपका ऑर्डर आ गया अभी। आप क्या अच्छा, कहाँ पे कर रहे हो आप? पॉकेट, अच्छा अच्छा ठीक है। आप वो व्हाइट सा गेट है ना, उसके अंदर आ जाओ, या हम ही आ रहे हैं, एक काम करो हम आ रहे हैं। आप हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर आ जाओ बस। ठीक है आ रहे हैं। कितना टाइम लगा दिया यार, बहुत टाइम लगा दिया आपने आने में, कितनी देर हो गई है। हाँ भाई, खराब हो गया खाना, क्या ही होगा। देखो 42 मिनट होगा ऑलरेडी ऊपर, 35 मिनट के अलावा पहले लग रहा। देखना भाई कितना ठंडा, देखना मतलब क्या है, गर्म है ना, देखना। और ये भी, ये भी ठंडा हो गया। क्या ठंडा नहीं हुआ है देखना, 5 मिनट बस से पानी पीने के लिए बैठ गई थी भैया। तो पानी पीना, पानी को बताओ तुम्हें, हमने खाना ऑर्डर किया 30 मिनट 35 मिनट दिखाता है खाने का, 45 मिनट से ऊपर हो गए, अब इसका क्या करेंगे हम बताओ भैया प्लीज। इससे बढ़िया फिर गर्म पानी पी लेंगे, ले लीजिए ना, ले जाओ। मैंने इसको चल रही नहीं, एक काम करो वापस करो इसको, ठीक है। और भाई क्या नाम है भैया, एप्लीकेशन खोलो इसको, मैं रेटिंग डाल देंगे, क्या नाम था इनका। अरे तो अरे तो गरीब होता है, मुझे नहीं पता साइकिल इसको कोई वो करता है क्या, इसे पकड़ा लो, देखना इसको, इस पे कोई साइकिल पे वो करता है क्या। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इस पे तुम, इस साइकिल पे कौन डिलीवरी करता है इस पे, कमाई कर तो नहीं करते ये, इसको खाने को ले आए हो, इस पे कौन से कौन डिलीवरी करता है इस पे। ठंडा खाना तो खाएंगे नहीं ना, कोई खाना नहीं खा सकता, इसको खाया खाओ, जो कोई खाना नहीं खा सकता। कोई इंसान तुम्हारे चक्कर में एक घंटे से वेट कर रहा है खाने का, उसे भूख लग रही है, फिर वो क्या करेगा, फिर मयूर फेस थ्री से आना तो मत आओ ना यार, उनको बोल दे के नहीं कर सकते डिलीवरी, ये रखी है साइकिल, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ले जाओ उठा के, कोई खाना ही ना खाए तुम्हारे चक्कर में, टूटी बढ़िया ना, ले जाओ लो ये, टूट तो गई, लो लो ले जाओ, लो लो ले जाओ इसको, कोई खाना वाना किसी के चक्कर में, कोई परेशान है कुछ है तुम्हें, कुछ होश ही नहीं है। मैडम तो अभी काम अभी कहाँ कर रहे हो, अभी बताओ ना कहाँ कर रहे हो, ये लो इसे भी ले जाओ, लो इसे भी ले जाओ, मैं बता रहा हूँ इसको फेंक दूंगा, नहीं तो लो इसे ले जाओ, इसे चलो पकड़ो, इनका कमाने वाली नहीं है। अरे तो भाई बाइक खरीद लो ना, बस की नहीं चलाना तो। हाँ क्या नाम था तुम्हारा, बस की है ना, डिलीवरी करने चलते थे, डिलीवरी करने रेटिंग डाल दे इसमें, कोई फायदा थोड़ी है मैडम, क्या करें बताओ, क्या फायदा है क्या। बहुत गुस्सा करेंगे तो तुम्हारे यार, भैया क्यों सुन रहे हो इसकी, इसको उठाओ और लो ले जाओ, लो मैं बनवा ले जाओ इसको, अरे क्या बनवा लोगे इसका, ले जाओ मैं इसे, हटो बनवा लोगे, बनवा लोगे, पकड़ो इसे, जाओ ले जाओ, चलो दिखाओ, तो तुम तुम्हें अपना नुकसान दिख गया, और जो हम भूखे थे, तुम्हारा नुकसान दिख रहा, तुम्हारे चक्कर में साइकिल तुम चलाती हो, तुम साइकिल चलाती हो, तुम अगर हो तो कम से कम स्कूटी बाइक अपना जाओ, उसमें ताकि खाना भी टाइम से नहीं है, तुम्हारे चक्कर हम थोड़ी परेशान होंगे। कब से डिलीवरी कर रहे हो आप, कब से डिलीवरी कर रहे हो, एक साल हो गए करते करते, अच्छा घर इसी से घर ही घर चला रहे हो, चल जाते तुम्हारा घर ऐसे डिलीवरी कर, लेट नहीं होते, खाना ठंडा नहीं होता, अकेले कमाने वाले, तो स्कूटी ले लो यार, इतना डिलीवरी तब तक स्कूटी ले लेते इंस्टॉलमेंट में, कंप्लेन ना करो, कंप्लेन ना करो, अब बताओ क्या, मैडम सुनो खाना छोड़ दो, या तुम पैसे नहीं दे रहे, बात है हम देखो ना पैसे देंगे भाई, रेटिंग डालो खाने यार, खाना ठंडा होता है, वो मजाक थोड़ी है क्या यार, का ड्रामा थोड़ी है, तुम ऐसे मुंह उठा कर जाते हो, कोई भी कोई तुम्हारे चक्कर में भूखा मर, कोई तुम्हारे चक्कर में भूखा मर रहा है उसको तो सोचो, क्यों कौन रखे रेस्टोरेंट बंद कर दो, ये मुझे मत दिखाओ, ये मेरे मेरे बस की नहीं झेलना, ये तुम देख रहे हो, एक काम करो, ये वैसे बता रही है ना, पानी बता रही है, वहाँ इसको क्या था
पिज्जा क्या नाम पूरा उसका पिज्जा पिज्जा क्या पिज्जा कैसे पिज्जा कैसे मैं कंप्लेंट डालने वाली थी तुम्हारे माँ बाप बीमार क्या कर रहे हैं यार ठंडा होता खाना तुम इतना परेशान होते डिलीवरी का जॉब कर रोज रोज धूप में तुम इसे लेके घूमती हो ऐसे घर चला रही हो कोई थपाई तो जॉब कर लो कहीं अच्छे सा पढ़े लिखे नहीं रोने से कोई फायदा नहीं है पढ़े लिखे नहीं पढ़ना चाहिए था टाइम पे अपने वाहन से भाई आ रहा है और इसको इसको साइड में खड़ी कर दो भाई छोड़ो कुछ कोई बात नहीं कितना टाइम हो गया चलाते चलाते ये तो चली नहीं रही से काम करती हूँ पापा की साइकिल है पापा बीमार हो गए मैं इसी से काम करती हूँ अच्छा तो कभी सोचा नहीं इसको स्कूटी लेने का कभी नहीं मैं बाइक एक स्कूटी कर कोई खरीद लो रेंट भरना मां-बाप का खर्चा उठाना कहां से गाड़ी खरीद पाएंगे यार काम तो कम काम कर रहे हो अच्छी बात है लेकिन कुछ ध्यान रखा करो ना क्या नाम तुम्हारा क्या नाम बताया तुमने प्रिया प्रिया नाम आपका प्रिया से पहले तो रोना बंद करो कहां पे रहते हो अच्छा ठीक है रो मत एक काम करो ठीक है सुनो प्रिया हमें तुम्हारे बारे में सब पता है वो है ना पिज्जा कैसल के तुम्हारे वो क्या नाम है अमित भैया है अमित सर है ना वो उनके वहीं काम करती है ना रेस्टोरेंट में तो सुनो अरे सुनो 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 देखो जो भी हमने केस के लिए सॉरी बोल रहे तुम हमारी बहन के जैसी हमने देखा तुम बहुत मेहनत करती हो हम लोग एक बार तुम्हारे वहाँ पिज्जा कैसल पे गए थे अमित भैया हमारे दोस्त है जानते हैं उनको अभी डेढ़ दो महीने पहले जब देखा तब उन्होंने बताया कि हां तुम मैसेज करके रो मत पहले तो रोना रोना बंद करो हमारी रोना बंद करो हमारी रोना बंद करो बेटा रोना बंद करो चुप हो चुप ठीक है हमें पता है तुम अपने परिवार को कैसे लाके मेहनत कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो ठीक है देखो हम लोगों को जितना उपाय मैं आपको बताऊँ अब से तुम्हें ये डिलीवरी इस पे करने की जरूरत नहीं है ये इसलिए मैंने तोड़ी है मेरे को पता है सुनो हाँ मैं बता दूं तुम्हें इस पे डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है ये स्कूटी है तुम्हारी है ठीक है डिलीवरी इस पे करोगे ठीक है चाबी पकड़ो सुनो तुम्हारे लिए खरीदी है ठीक है और ये सीरियस बताऊं मैं इसलिए तोड़ी है ये सब चीज ग्रेड करने की जरूरत नहीं मैं नॉर्मल दे सकता था लेकिन भैया ने मेरे को बताया कि बहुत ज्यादा बहुत पहले से तुम्हें बोल रहे हैं स्कूटर ले तुम बोले अपनी मेहनत से लूंगी तो मुझे पता तुम इसे छोड़ोगे नहीं साइकिल ठीक है कोई कुछ नहीं कट रहा ठीक है परेशान नहीं हो कुछ नहीं होगा कभी भी कभी भी जरूरत हो भैया अमित भैया के यहाँ पे भी भैया है मैं हूँ यहाँ पे हमारा ऑफिस है यहाँ पे आगे कभी भी कुछ भी जरूरत हो इसके अलावा भी ठीक है ये स्कूटी ऐसे तुम्हारी और इसी से डिलीवरी करना कोई भी जो उपाय हमने हम लोगों ने कोई नहीं रहन ठीक है और ये सब चीज क्रिएट करी उसके लिए सॉरी ठीक है जो हम लोगों से उपाय हमने एक सेकंड स्कूटी इसलिए खरीद के दी तुम क्योंकि खुद मेहनत कर रही हो और मेहनत करने वालों के लिए तो भगवान भी आगे हाथ रखता है ठीक है अरे नहीं ऐसा नहीं एहसान की कोई बात नहीं मैंने बताया सब तुम्हारी मेहनत है मैंने बहन बोला ना एक भाई तुम्हारा आज से एक और हो गया ठीक है और यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं कभी कोई जरूरत हो परेशान ना हो और देखो हम लोग आपको अरे नहीं सुनो अब हम आपको एक चीज बताते हैं देखो हम लोग ना वैसे हम लोग क्या है सोशल वीडियोस बनाते हैं कुछ फनी वीडियोस होती है कुछ सोशल वीडियोस बना होते हैं तो हम लोग एक यही दिखाना चाह रहे थे कि आप भी एक लड़की हो के भी घर में अकेली हो के कमाई वाली होके भी आप पूरी सब चीज़ें कर रही हो अपने माँ बाप को देख रही हो उनके सब खाना पीना बीमारी का सारा खर्चा देख रही हो तो उसके लिए हम लोग ना सुनो आप ये सुनो उसके लिए ना हम लोग ना वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे ठीक है ताकि लोगों में मैसेज जाए लोगों को पता चले कि हाँ लोग बहुत से लोग होते हैं जो अकेले रह के भी गरीबी से हार मान लेते हैं मेहनत नहीं करते तो आपको देख के लोग सीखेंगे ठीक है स्कूटी से रहो अच्छे से अपना माँ बाप का पालन पोषण करो अपना अच्छे से करो ठीक है और किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हाथ जोड़ने की जरूरत है बहुत अच्छी मेहनत कर रही हो तुम खुद से अपने पैरों पर कर रही हो ये बहुत बड़ी बात है वरना आज की डेट में कोई नहीं करता माँ बाप के लिए ठीक है अरे नहीं नहीं परेशान ना हो चलो तुम अभी अंदर बैठ लो पानी वानी पी लो स्कूटियाँ से तुम्हारी है नहीं आप परेशान ना अंदर बैठो ये बंद कर लो ये बंद करो बता देना मेरे को उसको ट्रांसफर नाम से करा देंगे ठीक है एक दो दिन में वो तो सेकंड हैंड बाद में चलो